जबलपुर से जहां एक ईसाई मजहबी रहनुमा के घर छापा मारा गया है। ईओडब्ल्यू ने रेड किए, यहां 1 करोड़ से ज्यादा का कैश बरामद हुआ है। यहां नोट गिनने के लिए मशीन मंगाई गई है। बता दें आपको कि बेशा पीसी सिंह के घर रेड की गई है। 2004 से 2012 के बीच 2.7 करोड़ रुपए के घपले का इल्जाम है बिशप पीसी सिंह पर। ये बड़ा अपडेट दे रहे हैं आपको। ईसाई मजहबी रहनुमा के घर ईओडब्ल्यू ने छापा मारा है। इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग ने छापेमारी को अंजाम दिया है। आपको बता दें कि बिशप पीसी सिंह के घर रेड की गई है। 2004 से 2012 के बीच बिशप पर 2.7 करोड़ रुपए के घपले का इल्जाम है। ये बड़ा अपडेट है, बड़ी खबर इस वक्त की जो देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर आप। ये बड़ा अपडेट आप जबलपुर से देख रहे हैं। यहां ईसाई मजहबी रहनुमा के घर छापा मारा गया है। ईओडब्ल्यू ने छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया है। और आपको ये भी बता दें कि यहां 1 करोड़ से ज्यादा का कैश बरामद हुआ है। नोट गिनने के लिए मशीन मंगाई गई है। बड़ा अपडेट, बड़ी खबर इस वक्त की अपने टीवी स्क्रीन पर आप जबलपुर से देख रहे हैं। और हमारे साथ ही अजय दुबे जबलपुर से फोन लाइन पर मौजूद हैं। अजय करू करेंगे मजीद मालूमात के लिए। अजय, ईसाई मजहबी रहनुमा पीसी सिंह के घर छापेमारी में करोड़ों रुपए मिले, 2 करोड़ से भी ज्यादा रुपए इनके घर छापेमारी में मिले, जरा बताइए पूरा मामला क्या है, ईओडब्ल्यू की नजर में कैसे आया? बिल्कुल बता दूं कि ईओडब्ल्यू लगातार मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में छापामार कार्रवाई कर रहा है। यही वजह है कि आज जब ईओडब्ल्यू ने छापामार कार्रवाई जबलपुर में की है तो करीब 2 करोड़ 70 लाख रुपए की जो है गबन का आरोप है उसके खिलाफ जो है ईओडब्ल्यू ने कार्रवाई की है। पीसी सिंह चेयरमैन द बोर्ड ऑफ एजुकेशन चर्च नॉर्थ इंडिया के जो चेयरमैन है उन पर ये कार्रवाई की गई है। लंबे समय से उनको ईओडब्ल्यू को शिकायत मिल रही थी कि वह कूट रचित दस्तावेजों के आधार पर सोसाइटी का एक नाम परिवर्तित किया था। इसके साथ साथ ही वो चेयरमैन पद का दुरुपयोग करते हुए उन्होंने शैक्षणिक संस्थाओं के द्वारा जो छात्रों का फीस होता है फीस की राशि जो है उन्होंने धार्मिक संस्थाओं को चलाने के लिए दिया था। इतना ही नहीं, उन्होंने सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने स्वयं के लिए लग्जरी जीवन जीने के लिए आलिशान अपनी जिंदगी जीने के लिए उन्होंने पैसे का दुरुपयोग किया था। तो साफ तौर पर है इसी को लेकर ये कार्रवाई की गई है। 2004 और 2011 की बात करें तो उन्होंने गबन का उन पर आरोप है कि उन्होंने 2 करोड़ 70 लाख रुपए उन्होंने गबन का भी आरोप है। तो साफ तौर पर है इस पर 2 आरोपी बनाए गए हैं। पीसी सिंह जो चेयरमैन है द बोर्ड ऑफ एजुकेशन चर्च के उन्हें आरोपी बनाया गया। तो उनके अलग अलग दोनों जगहों पर उनके कार्यालय और निवास जो जबलपुर के नेपियर टाउन में स्थित है वहां पर ये कार्रवाई जारी है। और साफ तौर पर है 1 करोड़ 60 लाख जो है इंडियन करेंसी वो भी उनके घर से बरामद हुई है। एसबीआई के कर्मचारी उसे गिनती कर रहे हैं और साफ तौर पर 1800 डॉलर जो है विदेशी मुद्रा भी प्राप्त हुई है। तो अभी जो है ईओडब्ल्यू की लगातार वहां पर कार्रवाई जारी है। और जिस तरह से एक रजिस्ट्रार जो है बीएस सोलंकी उन्हें भी इसमें आरोपी बनाया गया है। असिस्टेंट रजिस्ट्रार है फर्म एंड संस्था जबलपुर जो होता है जो समितियों का रजिस्ट्रेशन करता है उन्हें आरोपी बनाया गया। तो साफ तौर पर अभी भी कार्रवाई जारी है। ये भी निकलकर सामने आ रहा है जिस तरह से कि जो रजिस्ट्रार है उनके घर पर भी जो है ईओडब्ल्यू की जो टीम है वो दस्तावेज खंगाल सकती है। यानी लंबी चल सकती है कार्रवाई अभी अजय? जी बिल्कुल बिल्कुल साफ तौर पर है क्योंकि मुद्रा की जिस तरह से भारतीय मुद्रा हो चाहे विदेशी मुद्रा हो दोनों की जिस तरह से वहां पर जांच की जा रही थी उनकी गिनती की जा रही थी। तो साफ तौर पर है ये कार्रवाई अभी जारी है लेकिन जैसे जैसे तस्वीरें साफ होती जाएंगी ईओडब्ल्यू की जो एसपी है उन्होंने भी साफ कहा है कि जब पूरा जो करेंसी है वो गिना जाएगा और दस्तावेज क्या क्या मिले हैं वो खंगालने के बाद जैसे जैसे तस्वीरें साफ होगी ईओडब्ल्यू के एसपी वो जानकारी भी हम सभी को बोले हैं कि हम साझा करेंगे कितनी जो धनराशि है उनके घर से मिलती है कितना काला धन है ये वो जाके सब लोगों को बताएंगे। अजय, क्या बिशप के घर के अलावा कई और जगहों पर भी छापेमारी को अंजाम दिया जा सकता है? बिल्कुल, बिशप जो है जो चेयरमैन है उनके घर पर तो कार्रवाई ये जारी ही है लेकिन ये कार्रवाई अलग अलग
जगहों पर तो की जाती है। ईओडब्ल्यू लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है, लेकिन इसी मामले में जो एक आरोपी है, जो चेयरमैन है, चेयरमैन है जो संस्था रजिस्ट्रेशन करती है, जो समितियों का रजिस्ट्रेशन करता है, जिस तरह से छूट रचित दस्तावेज, जिस तरह से उन्होंने बीएस सोलंकी के साथ मिलकर, जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार पर्सन इन सोसाइटी जबलपुर के हैं, उन्होंने जिस तरह उनके साथ मिलकर संस्था का नाम बदला था और पैसे का गबन किया है, तो साफ तौर पर वो आरोपी है। तो हो सकता है आने वाले समय में ईओडब्ल्यू कुछ दस्तावेज फंगालने के लिए उनके घर पर भी छापामार कार्रवाई कर सकती है। अजय, आपका बेहद शुक्रिया इस अहम खबर पर तमाम अपडेट साझा करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।